वो। सो गाइज, हमारी फोटो केवल कॉपी पेस्ट करने से कितनी अच्छी बन चुकी है। सो दोस्तों, ये कुछ और नहीं केवल लाइटरूम प्रीसेट्स का कमाल है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे जितने भी यहाँ पे इमेजेस दिख रहे हैं, एडिटेज इमेज, ये सारे प्रीसेट्स हैं जो कि मैंने लाइटरूम ऐप में इंपोर्ट करके रखी है। अब आप सोच रहे होगे कि ये प्रीसेट्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो गाइज, आपको टेंशन नहीं लेना है, जब तक मैं हूँ तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैं बताऊंगा कि आपको ये प्रीसेट्स कहाँ से मिलेंगे। और ये प्रीमियम प्रीसेट्स है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे प्रीसेट्स है जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स अपने फोटो एडिट करने में इसे यूज़ करते हैं। सो वीडियो में बने रहें दोस्तों, आपको अपने सवालों का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि ये प्रीसेट्स का कमाल, मतलब ये प्रीसेट्स कितने प्रीमियम है, और मैं अगर इनको प्रीसेट्स को अगर फ़ोटो में यूज़ करता हूँ तो कितना इफेक्ट हमारे फ़ोटो पर पड़ता है। तो चलिए हम कोई भी प्रीसेट्स को यहाँ पे उठा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये वाला प्रीसेट्स है, तो मैंने इसे उठा लिया। अब अगर इसे कॉपी करके, इसके सेटिंग्स को कॉपी करके मैं अपने इमेजेस पे पेस्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल इमेजेस मैंने रखे हैं, तो अगर मैं इस पर पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए ये सिंपल ये इमेज है, अगर मैं इस पर पेस्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से हमारा फ़ोटो एडिट हो जाएगा। देख रहे हो कितना अमेजिंग सा यहाँ पर लुक जनरेट हो रहा है बस एक ही क्लिक में दोस्तों। अब अगर इस पर करता हूँ तो कुछ इस तरह का, इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे अगर इस पर मैं करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे, वाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे हमारा प्रीसेट ने वर्क किया। यहाँ पे बिल्कुल अमेजिंग सा यहाँ पे लुक जनरेट कर दी हमारी फ़ोटो में। अब इसी के साथ इस पर मैं अप्लाई करके देखता हूँ, वाह, इसमें तो और भी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई हमारी फ़ोटो में और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। मात्र एक क्लिक में आप अपनी फ़ोटो को इस तरह से एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा एक्सपोजर को कम करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आप देख सकते हो आप हमारी प्रीसेट का वर्क बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। तो अभी मैं सब आपको बताऊँगा कि आप इन प्रीसेट्स को कहाँ से डाउनलोड करोगे। जैसे और भी प्रीसेट का यूज़ मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे और भी प्रीसेट्स हैं, जैसे यही प्रीसेट है। तो मैं अगर इसके सेटिंग्स को कॉपी करता हूँ, कॉपी सेटिंग्स, और अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ इस पर, वाह, कितना अमेजिंग दोस्तों, आप देख रहे हो ये कितना अच्छा यहाँ पे लुक जनरेट कर रहा है हमारी फ़ोटो में, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। अब इसी तरह मैं इस पर अगर अप्लाई करके देखता हूँ तो यहाँ पर, वाह, यहाँ पर कुछ डार्क टाइप की यहाँ पर हमारी फ़ोटो एडिट हो जाएगी। तो अब और भी प्रीसेट्स, बहुत सारे प्रीसेट्स हैं दोस्तों। आप यहाँ पे अगर मैं सबको दिखलाने लगूँ तो टाइम तो लगेगा ही। अब लास्ट में इसका दिखला देता हूँ। जैसे मैंने, मतलब क्या है कि इन सारे प्रीसेट्स को बहुत ही ज़्यादा अपनी फ़ोटो में यूज़ किया है, इसीलिए मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। और मतलब ये सारे प्रीसेट्स मेरे फेवरेट भी हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें इम्पोर्ट करके रखा हूँ। जैसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको प्रीसेट्स मिल जाता है, पर दोस्तों मैं मतलब बहुत सा इम्प्लीमेंट करके देखा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे इनके प्रीसेट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इन प्रीसेट्स को यूज़ करो, बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप अगर यूज़ करोगे तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो अब और भी प्रीसेट्स मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ आपको। आपको यहाँ पर अर्बन प्रीसेट भी मिल जाएगा, बट यहाँ पर मैंने अर्बन को यहाँ पर इंस्टॉल करके नहीं रखा है यहाँ पर इम्पोर्ट, इसलिए यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। जैसे ये भी है, कितना सही लग रहा है हमारी फ़ोटो में। आप जैसे आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैं जितना प्रीसेट्स यूज़ किया हूँ यहाँ पे ब्लू ही ज़्यादातर है, यहाँ पे ब्लू इफेक्ट जनरेट कर रहा है। बट दोस्तों मेरा क्या है कि मुझे ज़्यादा ब्लू बेटर लगता है, मेरा फेवरेट है यहाँ पर ब्लू टोन, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा ब्लू टोन को ही इम्पोर्ट करके रखा हूँ। बट वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देख रहे हो आप, ज़्यादातर मैं यहाँ पर ब्लू ही रखा हूँ। अब जैसे ये वाला प्रीसेट है, तो अगर मैं ये यहाँ पे वेडिंग प्रीसेट है, ये अगर इसके सेटिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से लुक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वार्म थे, यहाँ पे लुक जनरेट हो रहा है, तो ये काफ़ी सही लग रहा है हमारे फ़ोटो के हिसाब से। अब इसमें भी एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप एक्सपोजर कम कर सकते हो, और बाकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे ब्लैक्स को भी कम कर सकते हो, शेडोज़ को कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पे प्रीसेट्स ने अपना काम कर दिया है, बस एक ही क्लिक में हमारी फ़ोटो को एडिट कर देता है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, बट मैं अभी सारे को तो नहीं दिखला पाऊँगा।
अब मैं यहाँ पे मेन जो वीडियो का मेन रीज़न है यहाँ पे जिसके लिए आप आए हो तो वो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो आपको जानना है कि आपको इन प्रीसेट्स को कहाँ से मिलेगा, मतलब आप इन प्रीसेट्स को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जा कर के यहाँ पे आपको प्रीसेट्स लिखना है। अब यहाँ पे मैंने नेट ऑन नहीं किया, तो आपको यहाँ पे डेटा कनेक्शन को ऑन कर लेना है और उसके बाद फिर यहाँ पे सर्च मारना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सर्च मारने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ऊपर में से कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे और भी अच्छे जो प्रीसेट्स आपको हैं ऊपर, लेकिन क्या है कि मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको वो ये वाला है, प्रीसेट फ्री डाउनलोड प्रीसेट्स। सो आपको इस पे चले जाना है। अगर आपने देख नहीं पाया तो मैं फिर से दिखला दे रहा हूँ, ये आपको इस पे जाना है, AKX डेवलपर्स वाला। तो आपको इस पे चले जाना है। इस पे मैंने क्या किया, इसे इंस्टॉल करके रखा है, बट आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है इसे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन करके दिखलाता हूँ इसे। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि यहाँ पे डेटा कनेक्शन से ही चलते हैं, यहाँ पे नेटवर्क रहना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कलेक्शंस है, इन्फो है, लाइब्रेरी है और रिसेंट है। तो रिसेंट पे जो भी रिसेंट पोस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके साथ यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में यहाँ पे लगता है लोडिंग नहीं हो पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो आप देख सकते हो अभी आ गया है। तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट मिल जाएगा और उसके साथ प्रीमियम मिल जाएगा, ट्रेंडिंग मिल जाएगा, पॉपुलर मिल जाएगा। बट आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे प्रीमियम का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे कुछ मार्का सा बना हुआ है। तो अभी मैं इस पर बताऊँगा कि इसका क्या मतलब है, बट आपको पहले यहाँ पे मैं दिखला देता हूँ कि कलेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक कैटेगरी टाइप का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारे प्रीसेट को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको कैजुअल कलर टोन मिलेगा ऊपर में, और उसके बाद प्रो कलर, इसमें 12 प्रीसेट्स अवेलेबल है, उसके बाद मास्टर कलेक्शन, क्रिएटिव आउटडोर, आर्टिस्टिक नेचर, वेडिंग कलेक्शन। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या है कि वेडिंग फोटोग्राफी का शौक है, तो वो इन वेडिंग कलेक्शंस का प्रीसेट को यूज़ करके अपने फ़ोटो को और भी बेटर बना सकते हैं। सिनेमेटिक शूट आउट है, मतलब बहुत सा ऑप्शन है दोस्तों, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं वेडिंग कलेक्शन का ओपन करके दिखला देता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया है कि इसको पहले से इंपोर्ट करके रखा है। अब जैसे मान लीजिए किसी और को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, मान लीजिए ये वाला। तो आपको अगर इसे डाउनलोड करना है प्रीसेट्स को, तो आपको क्या करना होगा कि ओपन पे क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे। अब जब ओपन पे आप क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड प्रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको डाउनलोड प्रीसेट पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि आपका प्रीसेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो है ना प्रीसेट लाइटरूम ऐप में इंपोर्ट हो जाएगा। आपको कोई भी मेहनत नहीं करना है दोस्तों, बस डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपका प्रीसेट जो है लाइटरूम ऐप पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाइटरूम ऐप पे चला जाएगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लाइटरूम फिनिश्ड, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया इंपोर्ट फिनिश्ड। तो इसे ओपन करते हैं अगर लाइटरूम ऐप को, तो यहाँ पे हमारा प्रीसेट जो है यहाँ पे आ चुका होगा। तो ओपन करने के बाद फिर ऑल फोटोज़ पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे में हमारा जो प्रीसेट है यहाँ पे आ चुका है। तो इसे मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रीसेट जो है यहाँ पे लोड हो चुका है। अब इसे मैं अगर कॉपी पेस्ट करना चाहूँ तो वही सेम करना है मुझे, कॉपी सेटिंग्स करना है और उसके बाद फिर अपनी फ़ोटो पे जाके मुझे पेस्ट कर देना है। तो मान लीजिए ये फ़ोटो है मेरा, तो मैं इस पे पेस्ट कर दूँगा। वाओ, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग ब्राउन टोन हमारी फ़ोटो में जनरेट हो जा रही है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रीसेट्स है दोस्तों, आप इन प्रीसेट्स को ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों इन प्रीसेट्स का यूज़ करके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रीमियम लिखा हुआ था जहाँ पे एप्लीकेशन पे, तो उसका क्या मतलब है। जैसे मैं वापस इस एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ प्रीसेट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे रिसेंट पे जाऊँ उस एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे अगर आपको लाइब्रेरी पे जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रीमियम का एक कलेक्शन मिल जाएगा। अब ये जो सारे प्रीमियम लिखे हुए इस पे यहाँ पे किंग बना हुआ है, यहाँ पे किंग का मार्का लगा हुआ है,
अब ये सारे क्या है कि आपको अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे ये सारे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप ये प्रीमियम वर्जन वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, जो कि मैंने कर रखा है, तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, तो मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर लूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मेरे साथ, तो इसलिए अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ पर से प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे रिसर्च का मॉड ऐप, ठीक है, वहाँ पर से भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको प्रीसेट्स कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। अब इसी तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो दोस्तों जिसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग से प्रीसेट्स मिल जाते हैं, बट मैं एक वीडियो में सारे को कवर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं उन सब के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और पसंद नहीं आई तो आपको डिसलाइक कर देना है। और अगर आप मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा, और आशा करता हूँ कि आपसे अगली बार मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए